दिल्ली का किराड़ी विधानसभा, जहां पहले से ही स्थानीय लोग कई समस्याओं से जूझ रहे हैं। इस बीच किराड़ी के प्रेम नगर के 70 फीट रोड पर एक अजीबोगरीब पोस्टर बहुत ही वायरल हो रहा है, जो स्थानीय लोगों के बीच चर्चा का विषय भी बन रहा है। दरअसल प्रेम नगर के 70 फीट रोड पर जगह जगह दीवारों पर कई पोस्टर लगाए गए हैं, जिस पर लिखा है कि मैं जल्द ही आ रहा हूँ, अब आपको परेशान नहीं होने दूंगा। ये पोस्टर जगह जगह चस्पा किए गए हैं। हालांकि इस पोस्टर को किसने लगाया है, अभी तक इसके बारे में कोई जानकारी नहीं हो पाई है। स्थानीय दुकानदारों की माने तो ये पोस्टर देर रात को चिपकाए गए हैं, और जब सुबह लोगों ने अपनी दुकान खोली तो ये पोस्टर चिपका हुआ पाया। जिस तरह से पोस्टर लगाए गए हैं, उससे ये आशंका जताई जा रही है कि पोस्टर किसी राजनीतिक षड्यंत्र के तहत लगाए गए होंगे। हालांकि इसकी अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है। दूसरी ओर अब दिल्ली पुलिस भी इस मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। 8 बजे आए थे तो देखा तो ये पोस्टर पूरे रोड पे ही लगे हुए हैं। रात नहीं थे ये, लेकिन आज सुबह 8 बजे जब आए दुकान पे तो सब जगह पोस्टर लगे हुए थे। नहीं, ऐसे कुछ नहीं है, पुलिस इंक्वायरी कर रही थी, लेकिन अभी तक कोई नहीं। मैं सुबह 6:30 बजे के अराउंड जिम के लिए निकला था, तब मैंने देखा था कि यहाँ पे इसमें बीच के ही एरिया में लगे हुए हैं। यहाँ से थोड़ा सा आप 2-4 गली आगे जाएंगे तो वहाँ भी लगे हुए, यहाँ से भी 2-4 गली आगे जाएंगे वहाँ भी लगे हुए, बट ये जो पोस्टर्स है यहीं पे लगे हुए हैं। बाकी सुबह के टाइम पुलिस भी आई थी हमारे पास, तो उन्होंने पूछताछ की थी कि क्या हुआ, किसका क्यों कोई आइडिया है, किसने लगाए हैं, तो हमें ऐसा तो कुछ नहीं पता है, बट देखते हैं जो पता चलता है क्या होता है। लगता है किसी पुराने MLA ने या फिर कैसे किसी पॉलिटिशियन ने ऐसे लगवा दिए हों, क्यों कोई यहाँ पे, क्योंकि प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा सीवर वगैरह की, तो लोग वगैरह बहुत ज़्यादा परेशान हैं, तो इसी वजह से लोग को हो सकता है किसी को पता चला हो कि यहाँ पे प्रॉब्लम में ज़्यादा लोग हैं, तो उस वजह से उसने लगवाए। वैसे बाकी कुछ कहने। बहरहाल यह बहुत ही दिलचस्प मामला बनता जा रहा है कि आखिर कैसे कोई रात भर में इस तरह के पोस्टर चस्पा कर गायब हो जाता है। ऐसे में देखना लाजमी होगा कि आखिर किसके द्वारा इस तरह के पोस्टर चिपकाए गए हैं। साथ ही सवाल यह भी खड़ा होता है कि क्या यह कोई राजनीतिक षड्यंत्र है या फिर पब्लिसिटी स्टंट। दिल्ली से अपने सहयोगी अनुज झा के साथ अजीत कुमार की रिपोर्ट, हम वतन TV।